हेलो दोस्तों, सब्जेक्ट बोर्ड में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 10th सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स और इसमें आपकी एक केस स्टडी है जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो देखिए दोस्तों, हम इस केस स्टडी को सोल्व करते हैं। इससे पहले यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कराया तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, जिससे आपको इसी तरह के केस स्टडीज की अप टू डेट जानकारी मिलती रहेगी। तो ये कर लो पहले। देखिए दोस्तों, हम इसको सोल्व करते हैं केस स्टडी को। देखो, केस स्टडी में आपको दे रखा है, योर एल्डर ब्रदर वांट्स टू बाय अ कार एंड प्लान्स टू टेक लोन फ्रॉम अ बैंक फॉर हिज कार। ठीक है, तो आपके एल्डर ब्रदर ने क्या करा, कार को लेने के लिए एक लोन लिया बैंक से। ठीक है, ही रिपे हिज टोटल लोन। लोन उसने टोटल कितना चुकाया, देखो टोटल पे करा 1,18,000। ठीक है, एवरी मंथ स्टार्टिंग विद द फर्स्ट इंस्टॉलमेंट ऑफ रुपी 1,000। तो उसने 1,000 रुपी इंस्टॉलमेंट से इस लोन को चुकाना शुरू किया। ठीक है, और ही इफ ही इंक्रीजेज द इंस्टॉलमेंट बाय 100 एवरी मंथ, आंसर द फॉलोइंग। ठीक है, इसमें क्वेश्चन हमसे पूछा है, पहला द अमाउंट पेड बाय हिम इन 13th इंस्टॉलमेंट। ठीक है, 13th, ठीक है, तो 13th इंस्टॉलमेंट में कितना करेगा, मतलब ये पूछ रहा है, ये 13th, ठीक है, ये वाली टर्म पूछ रहा है। मान लो कि फर्स्ट टर्म आपकी 1,000 है, फिर एवरी 100 मतलब क्या कर रहा है, इंस्टॉलमेंट को इंक्रीज कर रहा है 100, तो अब ये कितना हो जाएगा 1,100, फिर उसके बाद कितना हो जाएगा 11,1200। ठीक है, इस तरह से 100-100 भरते जाएंगे, तो जो 830 टर्म आएगी ना, जैसे वन टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, ऐसे 30 टर्म आएगी। ठीक है, उस 30 टर्म की वैल्यू पूछ रहा है, द अमाउंट पेड बाय हिम इन 30th इंस्टॉलमेंट इज, मतलब ये वन फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, ऐसे 30th वाली जो आएगी ना उसकी वैल्यू पूछ रहा है। तो ए 30 को मैं लिख सकता हूँ, ए 30 बराबर ए प्लस 29 इंटू डी, ये लिख सकता हूँ। देखो ये वाला फॉर्मूला लगाए, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, यही तो लगाए फॉर्मूला। अब यहाँ पे वैल्यू रख देंगे, ए 30 इक्वल्स टू, ए की वैल्यू कितनी है इसमें 1000 फर्स्ट टर्म, ठीक है, और प्लस 29, और डी की वैल्यू कितनी है इसमें से, इसको सब्ट्रैक्ट करो 100, देखो 100 का ही तो गैप है सभी में। ठीक है, तो ये 100 से इंटू कर दो। ठीक है, तो ये कितना आ गया, ए 30 बराबर 1000 प्लस, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2900, अब इनको ऐड कर लेना आप, तो ये कितना आएगा 3900, ये इसका आंसर है। ठीक है, फर्स्ट पार्ट हमारा हो गया। अब सेकेंड पार्ट हम देखते हैं, तो सेकेंड पार्ट में हमसे पूछा है द अमाउंट पेड बाय हिम इन द 30 इंस्टॉलमेंट्स इज, देखो यहाँ पे TH लग रहा है, यानी कि उसकी वैल्यू पूछ रहा है उस टर्म की। ठीक है, 30th टर्म की। अभी इसने पूछा है कि देखो वन टर्म में इतना चुकाया, सेकंड में इतना, थर्ड में इतना, फोर में इतना, ऐसे 30 इंस्टॉलमेंट में उसने कितना चुका दिया होगा, जैसे इसको प्लस, इसको प्लस, इसको प्लस, ऐसे 30 तक हमको प्लस करना है सभी को। और जब भी सम की बात होती है तो फॉर्मूला लगता है SN वाला। ठीक है, तो हम फॉर्मूला लगाएंगे SN, SN इक्वल्स टू क्या होता है, N बाय 2। अब इसके दो फॉर्मूले होते हैं, तो मैं इसका दूसरा वाला फॉर्मूला लगाता हूँ। इसमें क्या आती है, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। ठीक है, 30 इंस्टॉलमेंट तक बतानी है, तो ए 30 लास्ट टर्म हो जाएगी इसकी। ठीक है, इस तरह से, तो एस एन बराबर लिखूंगा, एस 30 के लिए लगाना है, 30 इक्वल्स टू 30/2। ठीक है, और ए की वैल्यू कितनी है 1000, और आपकी ए 30 की वैल्यू कितनी है 3900। ओके, अब देखो इसको सोल्व करते हैं, तो ये आपका आ जाएगा 15, और ये ब्रैकेट को सोल्व करते हैं तो मल्टीप्लाई में 4900। अब इसको सोल्व करेंगे तो ये आपका क्या आ जाएगा, देखो 0 59 जो 135, 513 कैरी गया। ठीक है, 154 जो 60, और ये 73, तो 73,500 रुपी उसका टोटल अमाउंट हो गया। कब तक इंस्टॉलमेंट, कब तक हो गई ये 30 इंस्टॉलमेंट तक, देखो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, इन तो ये मतलब 30 मिला के इतना इंस्टॉलमेंट बैठ रहा है उसका। ठीक है, ये सेकंड वाला पार्ट हो गया। अब देखते हैं थर्ड वाला पार्ट इसका, तो देखो थर्ड वाला पार्ट है, व्हाट अमाउंट डज ही स्टिल हैव टू पे ओवर 30th इंस्टॉलमेंट। देखो क्या बोल रहे हैं, व्हाट अमाउंट डज ही स्टिल हैव टू पे आफ्टर, देखो ये ऑफर है, ठीक है, 30 इंस्टॉलमेंट आफ्टर, देखो 30 इंस्टॉलमेंट के बाद उसका कितना बच जाएगा। ठीक है, ये आफ्टर कर लेना। ठीक है, तो देखो उसको टोटल चुकाना है 1,18,000। ठीक है, इतना अमाउंट चुकाना है। अब उसने 30 इंस्टॉलमेंट तक कितना चुका दिया, देखो एस एन की 30 इतना चुका दिया उसने, तो इसमें से सब्ट्रैक्ट कर लो 73,500। ठीक है, समझ में आया आपको। देखो मतलब कहने का मतलब है, उसने 1,18,000 इतना इंस्टॉलमेंट उसको चुकाना है। ठीक है, कार के लिए। ठीक है, अब उसने 30 इंस्टॉलमेंट तक कितना चुका दिया उसने, इतना, तो अब कितना बचा उसका, देखो व्हाट अमाउंट डज ही स्टिल, अब कितना बच गया उसके पास 30 इंस्टॉलमेंट के बाद, इतना बच जाएगा, वो आप सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, 0 0 ये 5 आपका, 7 में से 3 गया 4।
ठीक है, और 11 4, तो 44,500 ये उसका टोटल ये आ जाएगा कि उसको इतना अभी पे अभी बाकी है उसका, इतना और चुकाना पड़ेगा। ओके, अब देखो फोर्थ वाला हम पार्ट करते हैं इसका। तो फोर्थ वाला है, इफ टोटल इंस्टॉलमेंट्स आर 40 देन अमाउंट पेड इन द लास्ट इंस्टॉलमेंट। तो लास्ट इंस्टॉलमेंट में जैसे मान लो ये A1 करा, A2 करा, A30 भी कर लिया था हमने, देख ला, और लास्ट वाली जो उसकी आएगी ना A40 वाली आएगी, 40 तक कर रहा है, देखो यहाँ साफ साफ बोल रहे हैं। तो A40 की वैल्यू कितनी है हमें निकालनी है, ठीक है। तो A40 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, A40 बराबर A+39 और D, N-1 होता है ना यहाँ पर, तो 40-1 कर दूंगा 39D, ठीक है। तो A40 की वैल्यू क्या आ गई आपके पास, A की वैल्यू 1000 और प्लस 39 और D की वैल्यू कितनी है 100। ओके, तो अब इसको सोल्व कर लेंगे, तो ये 1000 और 3900, तो ये कितना आ जाएगा 4900, ये आ जाएगा आपके पास, इतना वो अमाउंट होगा वहाँ पर A40 पर, ठीक है, इतना, ठीक है। तो अब आगे हमसे पूछ रहा है, फिफ्थ वाला पार्ट और देख लेते हैं, ये तो हो गए हमारे इतने, तो देखो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ हो गया, फिफ्थ वाला भी देख लेते हैं। देखो द रेशियो ऑफ द फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, देखो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में कितना था उसका 1000 और लास्ट इंस्टॉलमेंट में उसका इतना है, लास्ट में कितना है यानी कि ये 40th पर कितना है 4900। अब इन दोनों का रेशो पूछ रहा है, तो 1000 अपॉन 4900, तो 2 0 से 2 0 कैंसिल, तो आंसर क्या आ गया 10/49 यानी कि 10:49, ये इसका आंसर होगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको एक केस स्टडी काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगी हो, और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव सॉल्यूशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा दोस्तों। हम फिर से मिलेंगे, बाय बाय।